मानक संधारित्र द्वारा चल कुंडली प्रक्षेप धारामापी का प्रक्षेप नियतांक ज्ञात करना, इसका परिपथ बना रहे हैं। प्रक्षेप धारामापी यानी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, संधारित्र जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर ये हमारी द्विमार्ग की कुंजी लगी होती है, जिसके द्वारा हम एक बार बैटरी का कनेक्शन संधारित्र के साथ करते हैं, एक बार कनेक्शन बीजी के साथ करते हैं। ये विभव विभाजक लगा दिया, चलो अब इसके परिपथ को थोड़ा समझ लेते हैं। विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर को हमने बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ा, यह हमारा विभव विभाजक है, जिसके सहायता से हम वोल्ट मीटर में विभव के मान को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित कैसे करना है, जैसे यहाँ पर एक बैटरी का टर्मिनल जुड़ा होगा रियोस्टेट के, एक यहाँ पर बैटरी का वायर जुड़ा होगा, तो जैसे यह वायर तो सीधा कनेक्ट है यानी बैटरी का पॉजिटिव सिरा सीधा कनेक्ट है, लेकिन विभव विभाजन किन के मध्य काम कर रहे हैं, इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। जैसे जैसे मैं इसको ऊपरी की को उस तरफ ले जाऊँगा तो मेरा विभवांतर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके मध्य जो प्रतिरोध की मात्रा है या फेरो की संख्या है वो बढ़ रही है। अब इस तरफ ले आऊँगा तो मेरा विभवांतर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से विभव विभाजक से विभवांतर को नियंत्रित करेंगे। अब इसमें दो स्टेप में काम लेते हैं। पहले स्टेप में हम ए टू बी कनेक्ट करेंगे, जिससे संधारित्र हमारा बैटरी से चार्ज होगा, ये पहला सर्किट काम करेगा। सेकेंड सर्किट में हम रीडिंग लेंगे, तो इसके लिए हम बी टू सी कनेक्ट करेंगे, और बी टू सी कनेक्ट करते ही जैसे ही हमने वो लगाया कि, तो माना जैसे हमारा सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं 10 सेंटर पॉइंट है, और मेरा पहला विक्षेप कहाँ तक गया, इस तरफ 3 तक, यानी वहाँ पर ये 0 से शुरू होता है और यहाँ ऐसे जैसे 1 2 3 माना कि यहाँ तक गया, तो वो मेरा θ1। अब θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 θ7 θ8 θ9 θ10 θ11। अगेन जैसे θ2 लगभग θ11 लगभग यहाँ आया, तो मैंने दो रीडिंग नोट कर लेनी है, एक θ1 और θ11। अब इसका फॉर्मूला, यह इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पर C हमारे पास ज्ञात होता है, E ज्ञात होता है, और लैम्बडा हम θ1 और θ11 की सहायता से ज्ञात कर लेंगे, और θ1 जो हमारा फर्स्ट विक्षेप आता वो। अब जैसे इसकी रीडिंग हमने ली है यहाँ पर, जिसमें लैम्बडा भी ज्ञात किया, देख लीजिए यहाँ पर रीडिंग हम इसके दो तरीके से ले सकते हैं, या तो विभवांतर को कांस्टेंट करके संधारित्र में धारिता को चेंज करते हुए, या धारिता को कांस्टेंट करके विभवांतर में चेंज करते हुए। यहाँ पर जैसे हमने विभवांतर को कांस्टेंट रखते हुए संधारित्र में धारिता को चेंज करते हुए रीडिंग ली है, तो विभवांतर को जैसे हम 0.2 वोल्ट पर कांस्टेंट कर दिया। अब अलग अलग रीडिंग लगे, जैसे जब संधारित्र की धारिता 0 है तो कितनी रीडिंग आ रही है। चलो इस पहली रीडिंग में मुझे डाउट हो रहा है तो इसको आप नेगलेक्ट कर दे। जैसे 0.1 धारिता पर हमने रीडिंग ली, तो हमारा पहला विक्षेप कितना आया, θ1 16 आया और θ11 11 आया। यहाँ पर हमने लैम्बडा याद किया, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 बेस θ1 अपॉन θ11। ओके, अब थीटा लैम्बडा आ गया तो लैम्बडा बाई 2 ज्ञात कर लिया, क्योंकि थीटा में हमें लैम्बडा बाई 2 चाहिए। अब जैसे इसकी कैलकुलेशन की बात आती है, तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से, जैसे K1 हम किसके लिए ज्ञात करेंगे, थीटा C1 के लिए, तो C1 कितना है हमारा 0.1 है और विभवांतर कांस्टेंट है, तो इसके लिए कितना आया 16 आया। K2 में C2 कितना लेंगे 0.2, इसके लिए θ1 कितना आया 17। 0.3 माइक्रोफेड के लिए कितना आया θ1 18 आया, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप 16 17 18, और ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट की है हमने, और यहाँ नीचे जैसे लैम्बडा बाई 2 की वैल्यू पुट करते हुए हमने 1 को ऐड करते हुए इसका भाग देके सॉल्यूशन किया, तो हमारे पास ये रीडिंग आई। अब के ज्ञात करने के लिए हम K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3 इन तीनों का माध्य लेकर के की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। लैम्बडा 1/2 की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है और यहाँ पर पुट करनी फॉर्मूला। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इस वीडियो में हमने इसके सर्किट को समझा, और इसका उद्देश्य था हमारा प्रक्षेप नियतांक ज्ञात करना, यानी के ज्ञात करना, जो कि ज्ञात कर लिया। माई सेल्फ सुरेंद्र खिल्लेरी, अपने भाई सुरेंद्र खिल्लेरी को सपोर्ट करें, यानी हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जैसे यहाँ पर 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम धारिता किस में ले रहे हैं, माइक्रोफेरेड में, तो उसको फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि मैं अभी पहले